आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। में कभी भी किसी मैच के लिए इतनी मिक्स फीलिंग्स नहीं हुई जितनी आज थी वेलिंगटन में, जो फिफ्थ ओडिया खेला गया बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। एक टाइम पर हमें लग रहा था कि जो हमारे बॉयज़ हैं, हमारी जो फ्रेशीज़ हैं, वो हमारे लिए मैच जीत जाएंगे, बट देयर वाज सम ग्लिचेस। क्रिकेट के सिकंदर बाग मेरे साथ मौजूद है, वी हैव टू डिस्कस टुडेज मैच। सिकंदर, आई नो कि हम लोग सीरीज हार गए हैं, न्यूजीलैंड आज का मैच भी 15 रन से जीत गए, कंप्लीट वाइट वॉश 5-0, बट आज के मैच में बड़ा मजा भी आया मुझे। आज के मैच में हमें पाकिस्तान का कलर नजर आया, वो जो लड़ने वाली चीज, जो वो बात हम कहते हैं ना कि लड़ो, वो आखिरी के आप देखें कि 5-6 लड़कों ने कितना जबरदस्त रन करके, और मैं लेट भी इसलिए हो गया, मैं तो लेट हो गया चक्कर में, अभी जी इतना एक्साइटिंग मैच हो रहा था, मगर बैड लक। मगर इसमें दो तीन चीजें पता लग गई। नंबर वन ये कि हमारे पास जो है, हमें प्रैक्टिस की जरूरत थी, हमें बहुत पहले जाना चाहिए था न्यूजीलैंड। देखिए आखिरी मैच है और हम कितने नज़दीक पहुंच गए, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो हाँ, तो हमें पहले जाकर वहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। नंबर वन, हमारी टीम सिलेक्शन गलत नहीं थी, वो मैं आपको बाद में आप पूछिएगा मैं आपको बताऊंगा। फिर हमारी 11 की जो सिलेक्शन है वो सही नहीं थी। थोड़ी सी मैं कप्तानी को भी क्रिटिसाइज करूंगा, सरफराज को हम हमेशा फेवर करते हैं, मगर यहाँ पर देख जैसे उन्होंने हारिस से बॉल नहीं कराई, उनको पिच रीड करने नहीं आती, अकॉर्डिंग टू द पिच टीम सिलेक्शन होनी चाहिए थी। आज उन्होंने बहुत अच्छा किया कि नवाज को भी खिला दिया, यामीन को भी खिला दिया, और सबका एक झलक नजर आई, विच वॉज वेरी गुड। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग यू नो और बात करें, सिकंदर मैं वापस इस पे बात करना चाहते आज के मैच के बारे में। आई मीन वी हैव टू हारिस सुहेल 63, शादाब 54, फखर जमान सॉरी फहीम अशरफ 23, आमिर यामीन 32, नवाज 22। आई मीन व्हाट अमेजिंग फिगर्स, 5 for 57 का मतलब हो गया ऊपर के 5 हो गया, उड़ गए बिल्कुल। देखो उसके बाद बाकी 5 लड़कों ने रन किए, और ये उनमें से सारे के जो बिल्कुल फ्रेश गए, जो अभी स्टार नहीं बने, और जो स्टार बने थे वो कोई अनफिट हो गया। देखिए अब जो मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था ना, 11 की सिलेक्शन की, आप मुझे बताएं हारिस सुहेल क्यों बाहर बैठा था? 2 मैच खेला, दोनों में 50। वो सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड लग रहा था, उसकी 1-2 मिस्टेक्स हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर वो सॉलिड लग रहा था। तो आपको 11 पिक करने नहीं आई, साफ नजर आया। फिर आपने 1-2 पिच ऐसी आई थी जहाँ पे स्पिनर खिलाने चाहिए थे, आपने नवाज को नहीं खिलाया, वो आपकी मिस्टेक नजर आ गई। और जो सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है, ये इंजमाम की गलती है कि उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए नहीं पता चला कि उन्होंने कैंप नहीं लगाया, कैंप लगाते तो उन्हें पता चल जाता कि लड़के कहते सर मैं नहीं कराऊंगा नया बॉल, नहीं तो फिर उनको एक होशियार होते वो कि जी क्या हो गया, ये अलर्ट हो जाता। इज दिस अलर्ट की बात करें, बट डू यू थिंक दैट इट्स अलार्मिंग, अलार्म होना चाहिए? अब ये जो सीनियर बैट्समैन है, जो स्टार्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम लोग का बिग शॉट्स हैं, उनके कि हम भी यू नो उनको ही पता होना चाहिए कि हम लोग रिप्लेसेबल हैं, कि अगर हम नहीं करेंगे। अब देखिए तो सही कि ये प्लेयर्स जो है दे आर नॉट, आई मीन अ स्पिनर लाइक शदाब इज सो गुड विद द बैट। देखो आपके सामने ये रिजल्ट है, मैं हमेशा यंगस्टर्स की बात करता हूँ, यंगस्टर्स को आप खिलाएं मगर उन्हें स्पॉइल ना करें। देखिए पिछले दिनों क्रिकेटर्स ये जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके 2 स्टार थे, एक आमिर और एक हसन अली। हसन अली को तो इमर्जिंग प्लेयर भी मिला, आज वो बाहर बैठा था। आमिर आज बाहर बैठा हुआ है, हालांकि ही वॉज द सुपर स्टार ऑफ द फाइनल्स, उसके वजह से हम फाइनल जीते, जो उसने 3 खिलाड़ी आउट किए, आज वो बाहर बैठा हुआ था। और ये नए लड़के आए, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास अभी नए बच्चों में और पोटेंशियल है। ये सारे लड़के रिलैक्स हो गए थे, बिल्कुल कूल हो गए थे कि जी बस अब हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम उड़ा देंगे, मगर वो ऐसी बात नहीं थी। तो अभी भी इनके पास वक्त है कि जो स्कोर कार्ड है आपके सामने है कि ऊपर के 5 कुछ नहीं, नीचे के सारे नए लड़कों ने रन किए, तो आपको पुराने लड़कों को अब फैसला करना है। अब आप ये ना करें कि नहीं यार ये बहुत सीनियर है, इसकी जरूरत है, नहीं, क्या वो डिलीवर कर रहा है? अगर करता है तो मोर देन वेलकम। अब आप देखिए कि आपके मलिक साहब ने कितने रन किए, 31 किए हैं बाबर ने, टोटल फ्लॉप। बाबर आजम इतना फ्लॉप हुआ है कि मैं हैरान हूँ कि इतने आज का मैच भी वैसे खेले, 5 मैचों में 31 रन, और शोएब मलिक के 5 मैचों में 49 रन, तो उसका मतलब है कंप्लीट फेलियर। लेट्स कंपेयर दिस टू द कीवीज, सिकंदर मतलब कि कंपैरिजन आपके सामने है, वो लोग के वही हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दे वर टर्निंग द 50s इनटू सेंचुरीज, मतलब उनके साथ हम लोग नो कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर वही सुहेल जो है, हारिस सुहेल की जो गलती है वो ये है कि उसने इतनी अच्छी इनिंग खेली, बड़ा सॉलिड खेल रहा था, बहुत अच्छा लाइन में आके ज्यादा बीट भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा खेल रहा था, 50 करते उसमें बेचैनी आ गई, उठा के मारने लगा। अगर वो 38th ओवर में आउट हुआ है, अगर वो नहीं आउट होता, उसको कैरी ऑन करता टिल 45th 46th ओवर, फिर वो लाठी चार्ज करता, जो कि एक तरीका होता है। ये लड़के जो नीचे वाले जो लाठी चार्ज करने वाले आए थे, सब मिलकर पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे। मुझे भी लग रहा था कि आमिर यामीन वुड हैव डन इट फॉर अस, वो बहुत अच्छे ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज एक्सीलेंट, उनको पता था कि मुझे स्ट्राइक पे रहना है बिकॉज़ रुमान
obviously trouble mein aa sakte hain, but you know overall phir bhi main kahungi phir bhi hamare hum log match haar gaye hain, series bhi haar gaye hain. So Sikandar, now what's next? Hum kya seekh rahe hain? Ye to hum ab to purani baatein ho gayi hain, ab next kya hai? Dekho Fatima, main baar baar ye ek baat dohra raha hu, main phir dohraunga. Log kahenge aap baar baar ye keh rahe hain ki Pakistan cricket board ko seriously in ladkon ko par apna haath rakhna hai, इन्हें खुली छूट ना दी जाए. देखें ये बच्चे जो हैं, अचानक किसी के पास बाइक है, अचानक करोड़ों रुपए मिल गए, अब वो बड़ी गाड़ियां खरीदना शुरू हो गया, उसका जो दिमाग है वो पैसे कमाने पे चला गया कि मैं ये लीग खेलूं वो लीग खेलूं. डोमेस्टिक अभी तो वो लोग न्यूजीलैंड में सब है ना, अब T20 आने वाले हैं. मैं आगे फ्यूचर की बात कर रहा हूं, एनालिसिस होंगे जो बैठ के सब कहेंगे कि भाई एक मीटिंग होगी हमारी, तो वो लोग क्या डिस्कस करेंगे? बातें प्रॉब्लम्स हैं, आप यू शुड टेल द प्रॉब्लम्स. देखिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपको अपने लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी है ताकि वो जितनी, देखिए जो क्रिकेट में स्पोर्ट्स में कोई म्यूजिशियन है, जो स्पोर्ट्समैन होता है या आर्टिस्ट होता है, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आती है, आप बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं. ये नहीं हो सकता कि मैं चैंपियन बन गया अब मैं रिलैक्स हो गया फिर आप मार खा जाते हैं. विद इन मंथ्स आप देखें ना, 6 महीने पहले हम चैंपियन थे, आज मार खा गए, वाइट वॉश हो गया. क्यों? हम रिलैक्स हो गए थे, हम सिर्फ पार्टी कर रहे थे, पैसे यहाँ बनाओ पैसे वहाँ बनाओ, ये लीग खेलो वो लीग खेलो. नहीं, हमें फुल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें. और क्रिकेट खेलने से मुराद है कि 20 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलें आप, 10 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलें आप, 4 दिन वाली क्रिकेट खेलें जिसमें हर बॉलर को 20-20 ओवर करने पड़े दिन में, बैट्समैनों के पास पूरा दिन हो बैटिंग करने का, वो टेम्परमेंट डेवलप होता है. ठीक है, ये चीज हमें करनी है. व्हाट अबाउट सरफराज, उसकी भी बात करनी है. अरे यार वो बेचारे में मुझे अफसोस हो रहा है, वो कंप्लीट फेलियर हो गया. उसने भी कुछ नहीं किया, 75 रन है उसके टोटल, 79 रन पूरे 5 मैचों में, जो उसकी स्टैंडर्ड से एज अ कैप्टन उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है. और उसकी जो टीम सिलेक्शन थी वो भी मुझे पसंद नहीं आई. मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये इसको जो है थोड़ा सा हमें उसको जो है लड़कों को एस पर पिच या एस पर सिचुएशन जो है लड़कों का अंदर बाहर करना चाहिए. वो पिच रीडिंग की आप बात करें, आई मीन हाउ, व्हेन विल दे लर्न इट? आई मीन आई रिमेंबर क्लियरली के लास्ट ईयर हम लोग बात कर रहे थे और यही बोले थे कि शायद हमें एक नया कोच रखना पड़ेगा जो सिर्फ पिच रीड करके बताए कि भाई आज स्पिनर. एक दफा उन्होंने गलत टॉस करके बैटिंग कर ली थी, शायद कोलैप्स हो गए, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हुआ था. इतने सारे मैचेस होते हैं, कई दफा वो याद नहीं रहते. फिर दूसरी चीज जो सरफराज की मुझे जो गलती नजर आई है वो प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन है. अब प्लेयर की यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके पास हारिस था तो आप स्पिन करवा लेते, उससे नहीं कराई इसकी पिच में. मलिक मौजूद थे जब यहाँ से हमने शोर करना शुरू किया कि मलिक से बॉल कराओ कराओ, तो उन्होंने 6 ओवर से करा दिए. तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी हमें नजर आई कि जो कि गलत थी सरफराज की, जो उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी. सही है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी कॉन्वर्सेशन कैसा बनाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया. यू नो विल टॉक अबाउट, आई थिंक हम लोग वो कर रहे हैं वो पोस्टमार्टम टीम का कि ये मसला है वो मसला, बट आज के मैच के बारे में हमें जरूर बात करनी. आई मीन जस्ट आई एम श्योर कि जो हमारे सीनियर बैट्समैन है प्लेयर्स है उनके लिए वेकअप कॉल है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो भाई बहुत टैलेंट है पीछे, मतलब ये शादाब वाज सो गुड विद द बैट, यामीन, फहीम, हर सुहेल ने 63 रन बनाए, दे वर वेरी इंप्रेसिव, बस अनफॉर्चुनेट था कि आज का मैच हार गए. हाँ अनफॉर्चुनेट तो है फातिमा. देखिए दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, हम चाहें तो इनको उधेड़ के भी रख दें लड़कों को और हम जितना क्रिटिसाइज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो है वो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि आप सुजुकी जो है उसका मुकाबला मर्सिडीज से नहीं कर सकते. तो जो अपनी गाड़ी है ना, अपना ब्रांड जो है ना, उसको आपने बेहतर बनाना है. उसको कराने के लिए आपकी मतलब इंजन से लेके आपके टायर से लेके हर चीज आपकी खराब हो और आप उस पर बिल्कुल उसकी मेंटेनेंस पे तवज्जो ना दे रहे हो, अपने आप को आप एलिवेट ना करना चाहते हो और उनके ऊपर जिन जिन जगहों पे काम करना है वहाँ आप ना कर रहे हो, तो देखिए यही नतीजे आएंगे और हमेशा से आते आ रहे हैं. ये कोई नई बात नहीं है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से पाकिस्तान टीम जो है वो बुरी परफॉर्मेंस देती रही है. अब इशू क्या है कि हम इस तरह बात करके जान नहीं छुड़ा सकते कि जी चूंकि हम हमेशा हारते रहे तो क्या हो गया अब हार गए तो, मगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए है और ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि हम चैंपियंस थे, हमने ODI की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और उसके बाद आप 5-0 से वाइट वॉश खा के आ जाते हैं. तो जाहिर है कि ये शर्मिंदगी सिर्फ नहीं है, ये वेकअप कॉल है इसलिए कि अगर तो आप चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपकी प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हो कि उसने कैसे क्रिकेट को लेकर चलना है, उसने अपने लूप होल्स को कैसे फिल करना है, उसने अपने रियल इश्यूज को कैसे एड्रेस करना है, तब तो इन बातें करने का फायदा होगा.
अदरवाइज आप सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है उसके ऊपर हम हमेशा खेलते रहते हैं और उसी की वजह से हम हमेशा जीतते हैं। और बात यह है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है उसको भी हमें देखना है क्योंकि हमारा मोस्टली टारगेट होते हैं बैट्समैन, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। मगर आप ये देखिए ना कि हमारे बॉलर कितनी विकेट ले रहे हैं, कितने रन लीक कर रहे हैं, उनकी एवरेज क्या है और हमारा जो स्ट्राइकिंग बॉलर है वो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर है। और क्या हमने गलती तो नहीं की कि इस इन कंडीशन में अगर आपको पेसर्स चाहिए थे तो आप वहाब रियाज को, आप इरफान को, आप सोहेल खान को, आप मोहम्मद अब्बास को, आप इन लोगों को छोड़ जाते हैं, तो क्या ये सही फैसले थे या गलत फैसले थे? तो आप भी ये देखना होता है कि अपनी टीम आप किस कंडीशन के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, किसके पास जो है वो कटर पोल खेलने का और हॉरिजेंटल बैटिंग करने की सलाहियत मौजूद है इन कंडीशन में। और उसके बाद जिस तरह आप शादाब को देख रहे हैं कितना मेंटली वो स्ट्रांग है या हमारे तमाम लड़के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो नया टैलेंट अच्छा है लेकिन एट द सेम टाइम देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट रहना मुनासिब नहीं है। ठीक है आली, आई थिंक वी विल टेक दिस कन्वर्सेशन फॉरवर्ड, पर हम लोग यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको स्पोर्ट्स फ्लोर पे हमारा ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड निर्माण ओडीआई सीरीज। न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज जीत गया है 5-0 और हमारे बैट्समैन ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। बट बैट्समैन की तो हम लोग बात कर रहे हैं, बट वी हैव टू टॉक अबाउट अवर बॉलिंग। क्रिकेट के सिकंदर बट और आलिया रशीद मेरे साथ स्पोर्ट्स फोर में मौजूद है, विल टॉक टू देम। सिकंदर, कमिंग टू यू, हम लोग बॉलिंग की जो हमें नाज है कि हमारे बॉलर्स हैं क्या टैलेंट है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं सीरीज में, मैं ऑनेस्टली आई एम स्केर्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हमारे फायर नहीं थी, स्पार्क नहीं थी, कुछ भी नहीं था। देखें, हम बैटिंग को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं मगर इस दफा हमारे पास बॉलिंग ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। सबसे पहले तो मैं ब्लेम करूंगा सिलेक्टर साहब को कि जिन्होंने बिल्कुल एक नया बॉल का बॉलर ही नहीं भेजा। उन्होंने पहले रोमान से गेंद कराया, हमने सब ने मिलकर शोर किया कि भाई ये रोमान तो लग ही नहीं रहा, इसलिए कि उसकी पेस नहीं है, वो ऐसा बॉलर है कि जो बीच में आके आउट करता है, उसको नया बॉल देना फजूल था। फिर उन्होंने हसन अली से करवा दी, फिर फहीम से कराई और आज शायद यामीन से करा दी, तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इसका क्या गलती हुई कि जिस सेलेक्टर को यही नहीं पता था कि उनका फास्ट बॉलर कौन है। अब आपका जो बेस्ट बॉलर था वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वो हसन अली था। हसन अली ने इसमें 4 मैचों में सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट किए, एक जगह भी ऐसा फिगर नहीं था कि जिसने मैच जिताने वाली, जिस तरह के उसने चैंपियंस ट्रॉफी में किया, जबरदस्त बॉलिंग करके उसने 3 आउट करता था मगर वो 3 ऐसे आउट होते थे जिससे हम मैच जीत जाते थे। आमिर 4 मैच खेले सिर्फ 2 आउट किए, हमारा स्टार प्लेयर जिसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई वो भी नहीं इंप्रेस कर सके। शादाब की तरफ जाते हैं, शादाब की गलती ये है कि उसने ये जो सीजन में बॉलिंग ही नहीं की। देखें, जो बॉलर होता है जितनी वो बॉलिंग कराएगा तो उसका जिस्म मजबूत होता है, उसके बाजू सही होते हैं, तगड़ा होता है। उसने 5 मैचों में 5 आउट किया, जो उसका जो स्टैंडर्ड है, जो उसका नाम चल रहा है उसके हिसाब से उसने इतनी मजेदार बॉलिंग नहीं की है, उसको इससे बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए। फहीम जो है अभी वो नया है, 5 मैचों में उनके 5 आउट हैं और रुमान रईस ने 5 मैचों में 8 आउट किए, सबसे ज्यादा उन्होंने आउट किए, मगर वो नए बॉलर या स्ट्राइकिंग बॉलर नहीं है। तो हमें क्या मिस कर रहे हैं इतने दिनों से जो इस सीरीज में स्ट्राइकिंग बॉलर का मतलब होता है वो बॉलर जो आए और आप आउट कर दे आपको। ठीक है सिकंदर, आलिया थैंक यू सो मच यू जॉइन अस। हम लोग ऑफकोर्स पूरे दिन स्पोर्ट्स फ्लो से आप मैच के बारे में, सीरीज के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। अभी फिलहाल जूनियर्स में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मेन स्टूडियो से दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो स्टे विद अस।